हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी स्लिप की सफाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मतलब साबुन से, बर्तन वाला साबुन है तो उससे ही साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़ा ना खाना वगैरह बनाते हैं तो चिपचिप सा स्टार्ट हो जाता है, और अभी तो बारिश का टाइम है तो सभी जगह पे चिपचिपाहट सी ही लगती है। कितनी भी सफाई करो लेकिन फिर भी सीलन सी और चिपचिपाहट लगती है बहुत, जबकि हम लोगों के इधर उतनी बारिश नहीं है। और जगह पे तो बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है और कहीं कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ अभी 2 दिन तो बारिश हो गई, अच्छे से हो गई, लेकिन उतनी बारिश नहीं है जैसे ना कहीं कहीं दिन रात की बारिश हो रही है। और 2 दिन की बारिश जो हुई है उसमें मतलब इतनी गर्मी बढ़ गई। क्या है कि जब 4-6 दिन बारिश होती है ना, कभी सुबह कभी शाम, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उतनी गर्मी नहीं रहती है। और जो एक आध दिन कहीं बारिश हो जाती है और फिर उसके बाद जब धूप निकलती है तब जो हाल होता है ना, बहुत बुरा हाल होता है। तो आजकल कपड़े भी पहन लो तो वो भी ऐसा लगता है कि चिपचिपा रहे हैं कपड़े भी, और अगर थोड़ा बहुत पसीना निकल जाए तो फिर और बुरा हाल, बहुत अजीब सा लगता है कपड़ों में भी। तो बस अभी मेरा स्लिप वगैरह था जो वो मैं साफ कर चुकी हूँ, और मुझे पोछा लगाना है क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा करके और फिर मैं अपने मंदिर में दिया बाती करती हूँ। तो बस, और अभी सुबह जल्दी भी उठती हूँ क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो चुका है और गर्मी का भी चल रहा है तो आँख जल्दी, ऐसा होता है ना जब गर्मी होती है तो थोड़ा जल्दी ही आँख खुल जाती है, और ठंडियों में आलस आता है, नींद आती है, अच्छी नींद आती है और जल्दी उठने का मन भी नहीं करता है। और लेकिन फिर भी ठीक रहता है, कम से कम घुटन और चिपचिपाहट नहीं होती है, सर्दी तो होती है। तो बस, और अभी मैं पोंछा वगैरह, और नीचे भी ऐसा ही लगता है जैसे सीलन सीलन से हैं। और मेरे तो इस वाले किचन वाले रूम में कुछ ज़्यादा ही मतलब सीलन सा रहता है, पता नहीं क्यों, जिधर देखो उधर दिखाई ही दे रहा है आप लोगों को कि जगह जगह से ना जो पेंट है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ जहाँ सीलन होती है वहाँ वहाँ से ये ना पेंट जो कलर है ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सिंक के पास की दीवार है ये देखिए बिल्कुल ऐसी गंदी सी हो रही है, और ये जो कूलर के पीछे की साइड की दीवार है ये तो इतनी सिलती है, इतनी सिलती है कि इस दीवार में अगर हाथ भी लगाओ ना तो हाथ में पानी दिखाई देता है, और पता नहीं कहाँ से सिलती है क्योंकि ये हमारा अपना तो है नहीं, और मालूम नहीं इसके अंदर से कहीं पानी की पाइप आई है क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं है, लेकिन इस दीवार पर ना सीलन हद से ज़्यादा रहती है। और बस क्या, अभी दिवाली वगैरह आएगी तो जब इस पे पेंट वगैरह हो जाएगा तब तो ये अच्छी लगती है, और उसके बाद जब बारिश वाले दिन आते हैं, ये वाले दिन आते हैं, तो इनकी यही सेम कंडीशन हो जाती है। और अभी तो हम लोगों के यहाँ पर कूलर वगैरह चल रहे हैं, कहीं कहीं ना कूलर वगैरह बंद हो गए और पंखे ही चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो घुटन सी हो रखी है। और मतलब ये है कि कूलर में कभी कभी जब ज़्यादा चिपचिपाहट लगती है तो पानी बंद कर देते हैं क्योंकि पानी से नमी से और शरीर में चिपचिपाहट लगती है, लेकिन कूलर तो अभी चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा मौसम हो रखा है।
और ये मेरे आटा और चावल के डब्बे रखे हैं अलमारी के अंदर, इनके अंदर मेरे ना रखने की जगह नहीं बची है, इनमें और डिब्बे रखे हुए हैं, तो इसी करके बाहर रखे हैं मैंने ये डिब्बे। और बस यहाँ से झाड़ू पोछा करने के बाद सीधा बाथरूम में जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि पोछा वगैरह लगाते लगाते इतना हालत ख़राब हो जाती है ना गर्मी करके, क्योंकि पंखा भी चलता रहता है फिर भी ना बहुत अजीब सी हालत हो जाती है, इतना पसीना निकलता है। तो सीधे पहले बाथरूम में ही जाती हूँ पोछा लगाकर और नहाकर ही निकलती हूँ। तो अभी मैं नहा कर आ गई थी और मुझे बनाना था नाश्ता, तो मैं बना रही हूँ सेमई। तो ये नमकीन सेमई बनाऊँगी क्योंकि मीठी सेमई है जो वो मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, मुझे ही अच्छी लगती है, बाकी इन लोगों को नहीं अच्छी लगती है। और आजकल के बच्चों को तो मीठी सेमई वगैरह बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो नूडल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें खाते हैं तो मीठा बहुत कम ही पसंद करते हैं। मेरे क्या हर किसी के बच्चों का यही हाल है। तो ये पैकेट वाली सेमई है तो इनको मैंने थोड़ा सा ना फ्राई कर लिया है, और इसमें ना आलू डालूंगी और प्याज डालकर बनाऊंगी, क्योंकि ना मटर तो है नहीं मेरे पास अभी, और बारिश का टाइम है तो अभी सब्जियां भी बहुत कम आ रही हैं, और जो दो चार सब्जियां आ भी रही हैं वो भी इतनी महंगी हो रखी हैं बारिश करके, कुछ कहने को नहीं। हमारे यहाँ बारिश कम है लेकिन सब्जियां वगैरह जो भी बाहर से आती हैं तो सब्जी के भाव तो इतने ऊंचे हो रखे हैं, और गिनती की वही दो चार तरह की सब्जियां आती हैं, वो भी खा खा के बोर हो रहे हैं बच्चे। तो ये बन रही है हमारी नमकीन सेवइयां, बस बनने ही वाली हैं, संडे का नाश्ता है, थोड़ी देर और बनाऊंगी और बस बनने वाली है। तो ये मेरी सेवई बन चुकी है और ये लोग कर रहे हैं नाश्ता, तो मैं भी जा रही हूँ करने के लिए गर्मा गर्म सेवई, नमकीन सेवई। तो चलो कर लेती हूँ नाश्ता, बन गई है और गर्मी ही अच्छी लगती है, ठंडी हो जाए तो फिर ही अच्छी नहीं लगती है। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, उसके बाद देखती हूँ क्या काम करना है।